जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि आपका विकास बोल रहा है, आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं है। शिमला ने कोई काम नहीं किए, जो 40,000 लीटर पानी की बात कर रहे तो उस समय देनी थी ना, जब इनकी सरकार थी, एमसी इनका था, ये लोग उस समय कर सकते थे। देखिए, स्मार्ट सिटी के लाखों करोड़ों रुपए एमसी नगर निगम शिमला को आए थे, लेकिन उतने लायक यहाँ पे काम हुए नहीं है जितने की हो सकते थे। पार्किंग पे भाजपा सरकार अगर पार्किंग पे भी फोकस करती तो लोग इनसे खुश होते, एक भी नई पार्किंग मेरे हिसाब से नहीं बनाई गई है। नमस्कार, मैं पूजा शर्मा हिमाचल टुडे पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नगर निगम चुनाव चरम पे है और सभी उम्मीदवारों ने अपनी पूरी जी जान झोंक दी है प्रचार में। आइए बात करते हैं भट्टा कुफर वार्ड से कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र ठाकुर जी से और जानते हैं क्या है उनका विजन। जी, सबसे पहले हिमाचल टुडे पे आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी। जी सर, मैं नरेंद्र ठाकुर। बहुत से मुद्दे हैं पिछले 10 साल। सबसे पहले तो मैं अपने शेष नेतृत्व, जो हमारे पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी है और माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनका धन्यवाद करता हूँ। जो तीसरी बार उन्होंने मुझे अपने क्षेत्र से यहाँ पे टिकट दिया है और यहाँ से इलेक्शन लड़ने के लिए कहा है, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद मैं पिछले 10 साल से अपने वार्ड भट्टा कुफर क्षेत्र में यहाँ पे तन मन धन से अपने वार्ड के लोगों की समस्या, जो भी छोटी से बड़ी समस्या रहती है, उसका अच्छे तरीके से उस जो भी काम लोगों के रहते हैं उनको करने में सक्षम पिछले 10 साल से रहा हूँ। आगे भी अगले 5 साल भी अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं जो भी मेरे लोगों के काम हो गए अच्छे तरीके से उनको जरूर पूरा करूँगा। चुनाव में जैसे कि आप उतरे हैं तो इस बार के मुद्दे क्या रहेंगे? इस बार के देखिए, हमारे वार्ड में पहले जो 10 साल पहले ये मस्ट एरिया के वार्ड थे। मस्ट एरिया वार्ड मतलब हमने जब एमसी में ये एरिया है तो जीरो से स्टार्ट किया है। एक भी यहाँ पे इस वार्ड में रोड नहीं था और जो रास्ते थे प्रॉपर कच्चे रास्ते थे। बेशक ये शिमला शहर के साथ लगता हमारे वार्ड था, लेकिन जब साडा में था तो उतने पैसे साडा में आते नहीं थे। जो रास्ते थे वो भी कच्चे थे, रोड तो यहाँ पे ना के बराबर था। लेकिन जब से हमारा क्षेत्र एमसी में आया है, उसके बाद भट्टा कुफर नेरी धार से फ्रोड गांव होते हुए टनल को 2.5 करोड़ रुपए का एक ही रोड बना, ये एम्बुलेंस रोड है, 2.5 करोड़ रुपए एक ही रोड पे लगे थे। और उसके बाद भट्टा कुफर पीडब्ल्यूडी वर्कशॉप से जय मोती भवन के लिए एक रोड निकाला गया 1 करोड़ रुपए का। यानी पूरे वार्ड के बीचों बीच ये दोनों रोड है, जिससे बहुत अच्छी सुविधा हमारे लोगों को मिली है। और जितने भी यहाँ मैक्सिमम अब रास्ते आप देखेंगे, अगर वार्ड का डोर टू डोर ऐसा घूमेंगे तो जितने भी आपका एक भी कच्चा रास्ता हमारे वार्ड के अंदर नहीं है। जैसे माल रोड या लोअर जार में वार्ड है, उसी तर्ज पे हमारे वार्ड में भी अब पैसे लगे हैं और अच्छा भरपूर काम हमारे वार्ड में लोगों का हुआ हुआ है। अभी वो देखने को मिल रहा है, अभी हम लोग वोट मांगने जब जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि आपका विकास बोल रहा है, आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ है। तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि जो भी लोगों की यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं थी या प्रॉब्लम थी, दिक्कतें थी, वो हमने पिछले 10 साल में कंप्लीट की है। अगर छोटे मोटे कोई काम हो गए वो आने वाले 5 साल में वो वादे पूरे किए जाएंगे जो हमने किए हैं। भाजपा के मैनिफेस्टो की अगर बात की जाए तो उन्होंने 40,000 लीटर पानी शहरवासियों को देने की बात की है, इसके देखिए मैं उस पर ये कहूँगा कि सेंटर में भी भाजपा सरकार है और प्रदेश सरकार भी पीछे अभी भाजपा की ही 5 साल सरकार थी। और उसके बाद जब से हमारा एमसी नगर निगम शिमला बना है, फर्स्ट टाइम पिछली बार लोगों ने भाजपा का साथ दिया था कि इस बार एमसी भाजपा की बनाया जाए ताकि लोगों के काम हो, क्योंकि सरकार भी भाजपा की थी। लेकिन इन्होंने उस पर जब इनकी सरकार प्रदेश सरकार में भी थी, एमसी भी थी, उतने लायक एमसी नगर निगम शिमला ने कोई काम नहीं किए। जो 40,000 लीटर पानी की बात कर रहे तो उस समय देनी थी ना, जब इनकी सरकार थी, एमसी इनका था, ये लोग उस समय कर सकते थे, लेकिन इन्होंने उस समय नहीं किया। आज इलेक्शन के लिए लोगों को गुमराह किया जा रहा, इलेक्शन स्टंट है कि हमें वोट मिल जाए। अगर इन्होंने करना होता तो इनकी सरकार थी, इन्होंने तो किसी से पूछना भी नहीं था कि हम ये 40,000 लीटर फ्री दे के ना दे। एमसी पूरा बहुमत इनके पास था, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये सिर्फ एक इलेक्शन स्टंट है जो कभी पूरा नहीं हो सकता है। तो हमारे वार्डों के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, शहर में रह रहे हैं, तो भली भांति मानते हैं, जानते हैं कि ये लोग क्या वादे कर रहे हैं, ये पूरे होंगे या नहीं होंगे। तो ये जनता इसका जवाब अभी 2 तारीख को देगी। स्मार्ट सिटी के विजन की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कितने विकास कार्य?
देखिए स्मार्ट सिटी के लाखों करोड़ों रुपए एमसी नगर निगम शिमला को आए थे, लेकिन उतने लायक यहाँ पे काम हुए नहीं है जितने की हो सकते थे। हमारे शिमला शहर के जो मंत्री थे उन्होंने काफी काम किया। हम नहीं कहते, देखिए सरकारें तो जो भी आती काम सब करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि लोगों ने उनको जिताया होता, काम करने के लिए जिताया होता है। कोई लोग काम ज्यादा करते हैं, कोई कम करते हैं, लेकिन इन्होंने भी काम किए, लेकिन जितने करोड़ों अरबों रुपए आए थे उतने लायक काम नहीं हुए। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे शिमला में जो रोड है, वो जितने रोड अभी थे उतने ही रोड पहले थे। रोडों में कोई ज्यादा इसमें वो बढ़ाई नहीं किया, और गाड़ियां आज की डेट में पहले के उससे बहुत ज्यादा गाड़ियां बढ़ गई है, रोड उतने ही है। लेकिन पार्किंग की सबसे ज्यादा दिक्कत जो हमारे शिमला शहर में है वो सबसे ज्यादा दिक्कत है। लेकिन इन लोगों ने पार्किंग पे, भाजपा सरकार अगर पार्किंग पे भी फोकस करती तो लोग इनसे खुश होते। एक भी नई पार्किंग मेरे हिसाब से नहीं बनाई गई है, क्योंकि जो लिफ्ट के पास पार्किंग बहुत बड़ी पार्किंग है जिसमें टूरिस्ट भी गाड़ी लगाते हैं, लोकल लोग भी लगाते हैं, वो भी कांग्रेस के टाइम में बनी है। संजौली में बहुत बड़ी पार्किंग एक बनी है, वो भी कांग्रेस के टाइम में बनी है। तो इनके टाइम में हाँ, जो हमारे रोड है शिमला का सर्कुलर रोड है उसमें डंगे चौड़े किए गए हैं, लेकिन उसका कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई उसका ज्यादा फायदा है, क्योंकि वो सिर्फ गाड़ियां रखने के लिए ही रोड चौड़े हुए हैं, उसमें पार्क हो रही है गाड़ियां। अब अगर इससे अच्छा तो जो पैसे डंगे चौड़े करने के लिए लगाए, अगर पार्किंग बनाई होती तो लोगों को काम दिखता भी और लोगों को फैसिलिटी दिखती भी है। अगर लोग वो जो डंगे लगाए उस पर लोग अगर पार्किंग करते हैं तो वापसी में ये डर लगा रहता है कि कहीं चलान ना हुआ हो, क्योंकि 1000 रुपए का चलान फिर वो होता है। तो इससे लोग काफी नाराज है मुझे लगता है, क्योंकि इतने लायक कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। जो इन्होंने रूटीन में काम किए वो तो रूटीन के काम है, वो तो सब करते ही है, काम तो किए ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें जितना फंड आया उतने लायक कोई अलग से काम नहीं किए, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए के काम हुए थे जो इन्हें ज्यादा करने चाहिए थे। पूरे 5 साल इन्होंने एक वाटर स्कीम थी कि 24 घंटे पानी लोगों को दिया जाएगा। पिछली बार 5 साल, पूरे 5 साल इन्होंने इसी में निकाल दिए कि 24 घंटे पानी दे रहे, 24 घंटे पानी दे रहे। आपके साथ सामने है जमीन पर कोई इस पे अभी काम नहीं हुआ है, ना कोई सिस्टम पूरा हुआ है, क्योंकि 24 घंटे कोई पानी नहीं मिला। हाँ हर रोज पानी आ रहा है, वो तो पहले भी था, लेकिन पूरे 5 साल इन्होंने राग लगा के रखा, 24 घंटे पानी दे रहे शहर को 24 घंटे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। जो ये कर सकते थे, सरकार इनकी थी, नगर निगम इनका था, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर हमें मौका मिलता है, कांग्रेस ने पहले भी शिमला शहर के लिए काफी काम किया और आने वाले समय भी शिमला शहर में कांग्रेस काम करेगी। जी अगर हम मेयर पद की बात करें तो आप सबसे सशक्त दावेदार हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारे यहाँ पे 34 वार्ड नगर निगम शिमला में है, तो सभी लोग इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, तो हम लोग भी उसी उम्मीद से उतरे हैं। बाकी मैं महापौर और उप महापौर की जहाँ तक बात हो रही है, तो हमारा शेष नेतृत्व जो हमारे अध्यक्षा है रानी प्रतिभा सिंह जी हैं, और माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, जो उनकी गाइडलाइंस होगी, सारे काउंसलर्स नगर निगम के जितने भी जीत कहेंगे सब उनके साथ खड़े, जो उनका अंतिम निर्णय होगा वही हम लोगों का निर्णय होगा। ये थे हमारे साथ नरेंद्र ठाकुर जी, विकास जी जिनका विजन है। मिलेंगे किसी और उम्मीदवार से, देखते रहिए हिमाचल टुडे। नमस्कार।